कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। गॉसिप टाउन देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ कृतिका। प्रियंका चोपड़ा का छलका है दर्द। जी हाँ, प्रियंका की आंखें हो गई हैं नम। वो हो गई हैं काफी ज्यादा भावुक क्योंकि उन्हें अपने कई सारे रिश्तों में मिला है धोखा, कई रिश्तों में मिला है बहुत ज्यादा दर्द। और अब इस तरह की बात को, इस तरह के एक्सपीरियंस को प्रियंका ने कर दिया है ओपनली शेयर। तो गाइज, अगर आप लोगों को नहीं पता कि आखिरकार क्या कुछ कहा है प्रियंका ने, तो चलिए मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल गॉसिप टाउन। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा। बैक टू द मुद्दा आते हैं और आपको बता देते हैं कि प्रियंका चोपड़ा ने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया है कि उन्होंने मैक्सिमम अपने हर को एक्टर को डेट किया है। जी हाँ, प्रियंका ने ये अब रिवील कर दिया है कि वो अपनी फिल्मों के को एक्टर्स को डेट कर चुकी हैं और उन्हें अपने हर रिश्ते में ना डोर मैट की तरह समझा गया है। जरूरत थी, इंतजार था, पर वो सच्चा प्यार उन्हें नहीं मिला जब तक वो बॉलीवुड की फिल्मों में काम करती रही। यहां तक कि प्रियंका ने ये भी कहा है कि उन्हें अपने हर रिलेशनशिप में ना डोर मैट की तरह उनके बॉयफ्रेंड्स ने समझा, कभी उनको उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई जितनी मिलनी चाहिए थी। प्रियंका बहुत ज्यादा सिर्फ और सिर्फ प्यार चाहती थी लेकिन उन्हें वो प्यार वो सम्मान नहीं मिला इस तरह के तमाम रिलेशनशिप में। और उनका ये भी कहना है कि जब उनकी निक से पहली मुलाकात हुई, निक से उन्हें प्यार हुआ, निक ने उन्हें पूरी फ्रीडम दी, प्यार दिया, सम्मान दिया। और यही वजह है कि प्रियंका ने साल 2018 में निक जोनस के साथ शादी कर ली और अब प्रियंका निक जोनस के साथ बहुत खुश है। शादी के बाद उनकी एक बेटी है जिसका नाम है मालती मैरी। तो गाइस, कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट में। इस वीडियो में इतना ही।